स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और इस समय पर ये बेहद जरूरी है कि थ्योरी के साथ साथ आप डेली बेसिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, बिकॉज फाइनली आप एक एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करने जाओगे जहां पर आपको पहले से ही इस चीज का प्रैक्टिस होना जरूरी है। सो इस दौरान मैं हर दिन आप सभी के साथ कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ सब्जेक्ट वाइज जरूर मिलूंगी। ऑन अ डेली बेसिस कोशिश रहेगी मेरी, इस सेशन को जरूर ज्वाइन कर लिया करिएगा। सो आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टोटल 10 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बेस्ड है, किसी एक सब्जेक्ट पर बेस्ड नहीं होने वाला है। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज, यानी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें इसमें से किस तरह का राइबोसोम देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आपको मैंने हर बार बताया भी और आपको पता भी होना चाहिए, बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं बच्चों, तो प्रोकैरियोट्स। वहीं अगर आप बात करोगे फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स की तो ये कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स। अब यहां पर पूछा गया है इनमें से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 80s, 70s, 23s या बोथ पी एंड सी। तो ध्यान रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है दैट इज ऑलवेज 70s, और ना केवल इस टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में होता है बल्कि इस प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे मैंने शॉर्ट में एमटी लिखा है, और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट यानी कि मैं बात कर रही हूं प्लास्टिड्स, इन दोनों सेल ऑर्गेनेल में भी पाए जाने वाला राइबोसोम का टाइप कौन सा होता है, 70s। और अगर आप चेक करेंगे 2022 का पेपर सीईटी आईजीकेवी द्वारा कंडक्टेड, तो वहां पर भी आपको इस टाइप का एक सवाल देखने को मिल जाएगा। सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, 70s टाइप का राइबोसोम और कहां पर नजर आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावा आपको ये भी याद कर लेना, यहीं पर सही रहेगा, कि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि हम लोग खुद यूकैरियोट्स हैं, फंगस एक यूकैरियोट होता है, एल्गी आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, 80s। तो ये हो गया जेनेटिक्स पर बेस्ड एक काफी कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत टफ तो मैं नहीं कहूंगी बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन है सीड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सोकिंग द सीड इन केमिकल सॉल्यूशन एंड ड्राइंग टू इंड्यूस टॉलरेंस टू ड्राउट। बहुत बार सीड्स को ड्राउट से टॉलरेंट बनाने के लिए सबसे पहले सीड को किसी पर्टिकुलर केमिकल सॉल्यूशन में डुबाया जाता है और उसके बाद उसको पूरी तरह से ड्राई कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यानी पहले हम सीड्स को क्या कर रहे हैं, हाइड्रेट, ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे मॉइस्चर को सुखा करके सीड्स को कर देते हैं डिहाइड्रेट, और इस प्रोसेस से हमारा सीड जो है वो ड्राउट टॉलरेंट बन पाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। सीड हार्डनिंग, सीड प्राइमिंग, सीड फ्लेक्सिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिएगा द करेक्ट आंसर विल बी सीड हार्डनिंग। केवल हाइड्रेशन किया होता बिना डिहाइड्रेशन के तब वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, उसे हम सीड प्राइमिंग कहते, बट यहां पर हाइड्रेशन फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन है और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो दिस विल बी नोन एज सीड हार्डनिंग। आई होप ये सारा क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, और डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा बिकॉज ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के कंपाइलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पेबल मल्च इज यूजफुल इन ड्राई लैंड। पेबल एक्चुअली छोटे छोटे स्टोन्स को यूज करते हैं मल्च बिछाने के लिए, जिसे हम कहते हैं पेबल मल्च, और पूछा गया है कि पेबल मल्च इज यूजफुल इन ड्राई लैंड। पहला ऑप्शन है फ्लावर क्रॉप कल्चर, दूसरा है फ्रूट ट्री कल्चर, तीसरा है वेजिटेबल कल्चर एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बता दूं कि ये जो पेबल मल्च है ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है फॉर ड्राई लैंड फ्रूट ट्री कल्चर, यानी ड्राईलैंड एरियाज में अगर आप फ्रूट ट्रीज का कल्टीवेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि ड्राईलैंड एरियाज में बहुत बड़ा लॉस होता है मॉइस्चर का इन द फॉर्म ऑफ इवापो ट्रांसपिरेशन, तो इवापो ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम मल्च बिठाते हैं, और फ्रूट ट्रीज के केस में कौन सा मल्च स्पेसिफिकली, तो पेबल मल्च। पेबल का मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन्स। ये नया क्वेश्चन हो सकता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पर बेस्ड, सो डेफिनेटली इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, प्रोसेस ऑफ
of bringing grains or other products to a desired moisture level is known as. जब आप दाने को उस मॉइस्चर लेवल पर लेते आते हो जिस मॉइस्चर पर वो सेफली स्टोर हो जाए, या फिर जिस मॉइस्चर लेवल पर आप उस सीड को स्टोर करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. जैसा आपने पढ़ा भी होगा पैडी वगैरह में जो सेफ मॉइस्चर स्टोरेज परसेंटेज है दैट इज अराउंड 13%, यानी 13% तक मॉइस्चर अगर पैडी के ग्रेन्स में है तो वो सेफली बिना किसी नुकसान हुए स्टोर किया जा सकता है. अब यहां पर पूछा गया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिस प्रोसेस में आप दानों में प्रेजेंट मॉइस्चर को अपने हिसाब से कम करते हो, डिजायर्ड लेवल तक लाते हो. तो ध्यान रखेंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज टेम्परिंग. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? सो दिस इज नोन एज टेम्परिंग. आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4th भी क्लियर हो गया है. इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर. मैंने फोटोग्राफ भी ले लिया इसीलिए सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये रिंग बेसिन होता क्या है. रिंग बेसिन इरिगेशन इज यूजफुल फॉर. रिंग बेसिन में ट्री के चारों ओर इस तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. आई डोंट नो ये फोटोग्राफ क्लियर है या नहीं. और इसी रिंग में हम इरिगेशन देते हैं. अब इसमें पूछा गया रिंग बेसिन इरिगेशन इनमें से किस तरह के क्रॉप्स के लिए मोस्ट सूटेबल होता है. ऑप्शन नंबर ए है राइस, दूसरा है शुगर केन, फ्रूट ट्री, लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. तो हमेशा याद रखना कि रिंग बेसिन अगर पूछा गया है तो डेफिनेटली ये किस चीज के लिए यूजफुल होगा? फ्रूट ट्रीज के लिए. तो आज हमने फ्रूट ट्रीज पर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नए सीखे. एक तो हमने सीखा पेबल मल्च, जो कि ड्राई लैंड फ्रूट ट्रीज का अगर आप कल्टिवेशन कर रहे हो तो कर सकते हो. साथ ही साथ आपने एक और चीज पढ़ी जिसे हम कहते हैं रिंग बेसिन मेथड ऑफ इरिगेशन, जो कि फ्रूट ट्रीज में ही यूज किया जाता है. अगेन क्वेश्चन नंबर 6 वाटर मैनेजमेंट पर बेस्ड एक काफी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. क्वेश्चन में पूछा गया है स्मॉल यानी छोटे और शैलो यानी जो बहुत ज्यादा गहरे ना हो. स्मॉल और शैलो फर्मोज को हम किस नाम से जानते हैं? छोटे फर्मोज हो और साथ ही साथ शैलो मतलब उथले हो, बहुत गहरे ना हो. इस तरह के छोटे और शैलो फर्मोज को किस नाम से जाना जाता है? कैब्रिगेशन, कॉरुगेशन, फरोज या फिर शायद लास्ट ऑप्शन मेरे को जितना ध्यान आ रहा है ऑल ऑफ दी अबव है. तो ध्यान रखिएगा कि छोटे साइज के शैलो फरोज को हम कहते हैं कॉरुगेशन. क्या कहते हैं? कॉरुगेशन. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7th में ये सॉइल साइंस पर बेस्ड क्वेश्चन है. पूछा गया है विच स्पीशीज ऑफ राइजोबियम फिक्सेस नाइट्रोजन इन अराचिस. अराचिस यानी कि तुरंत से आपको याद आ जाना चाहिए, अराचिस की अगर बात हो रही है तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राउंडनट की, मूंगफली की. इनमें से वो कौन सा स्पीशीज है राइजोबियम का जो ग्राउंडनट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है? ऑप्शन नंबर 1 इज ग्लाइसिन, दूसरा है जपोनिकम, तीसरा है ल्यूपिनाई एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जपोनिकम. और राइजोबियम जपोनिकम जो स्पीशीज है राइजोबियम की, ये ग्राउंडनट के साथ साथ सोयाबीन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. और हमारे आईजी के भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, पीजी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में कई बार जपोनिकम स्पीशीज को पूछा जा चुका है, तो इसे जरूर याद रखिएगा. इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. इसमें पूछा गया है स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर इनमें से कौन सा है, यानी उस केमिकल का नाम बताइए जो सबसे बेहतरीन डॉर्मेंसी तोड़ने के लिए माना जाता है. जिबेरिलिक एसिड, साइटोकाइनिन, पोटेशियम नाइट्रेट या नन ऑफ द अबव. तो ध्यान रखिएगा कि इन तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर कौन सा है, तो इट इज पोटेशियम नाइट्रेट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9th, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में क्या पूछा गया. आसान सा क्वेश्चन है, टेस्ट वेट ऑफ वीट पूछा गया है, गेहूं का टेस्ट वेट पूछा गया है. ऑप्शन है 40 ग्राम्स, 21 ग्राम्स, 2 ग्राम्स या नन ऑफ द अबव. तो ध्यान रखिएगा वीट का जो टेस्ट वेट होता है दैट इज 40 ग्राम्स. 21 ग्राम्स किसका टेस्ट वेट होता है? तो बासमती का. और 2 ग्राम्स किसका टेस्ट वेट होता है? तो फैलरिस का. फैलरिस जिसे हम वीट यानी गेहूं का मिमिक्री वीट भी मानते हैं. सो आई होप आप सभी को वीट का टेस्ट वेट याद हो गया होगा इस क्वेश्चन के साथ, इट इज 40 ग्राम्स. कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन, जिसमें पूछा गया है जीन प्रोटीन इज डेफिशियंट इन. जीन प्रोटीन इनमें से किसमें डेफिशियंट होता है, यानी जीन प्रोटीन जो है वो मक्के में पाए जाने वाला प्रोटीन है. और प्रोटीन किस चीज का बना होता है? अमीनो एसिड का. तो आपके लिए सवाल ये है कि मक्के में पाए जाने वाले जीन प्रोटीन में इनमें से किस अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है, किस अमीनो एसिड की कमी होती है, ऐसा पूछा गया है.
ऑप्शन नंबर ए है लाइसिन एंड मेथियोनिन, दूसरा है लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन, तीसरा है लाइसिन ओनली एंड द लास्ट ऑप्शन इज नोटा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जीन प्रोटीन जो कि मेज में प्रेजेंट होता है, ये दो एमिनो एसिड्स में डेफिशिएंट होता है। सबसे पहले का नाम है लाइसिन और दूसरे का नाम है ट्रिप्टोफेन। आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस YouTube सेशन के बाद कल से हम लोग मॉर्निंग में MCQ सेशंस किया करेंगे YouTube पर लाइव, सुबह 5 से 5:15 बजे के बीच में ये लाइव सेशन मैं शुरू करूंगी। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इस न्यूज को शेयर कीजिए, सो दैट अपकमिंग एग्जाम में हर बच्चा इस पर्टिकुलर सेशन का फायदा उठा सके। और सुबह के समय का जो क्लास होता है वो अक्सर बहुत बेनिफिशियल होता है, चीजें जल्दी याद हो जाती हैं, आपका माइंड फ्रेश होता है। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग मॉर्निंग सेशन लेकर आ रहे हैं, सुबह 5 to 5:15 AM के बीच में ये सेशन शुरू होगा, लाइव होगा यूट्यूब पर। ढेर सारे MCQs बनाएंगे अलग अलग टॉपिक्स के, इसलिए जुड़ जाएंगे सेशन के साथ फ्रॉम 12th of April। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।